नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियां। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मुजफ्फरनगर कोर्ट ने लौटाई चार्जशीट। लखनऊ में पाबंदी के बावजूद रैली पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ FIR। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी घटने से तेज हुआ राहत और बचाव का काम। 1 लाख से ज्यादा लोग बचाए गए। केंद्रीय गृह सचिव डालेंगे श्रीनगर में डेरा। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा। 13 सितंबर को मतदान। IS आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी रणनीति का ऐलान। बराक ओबामा ने कहा सीरिया में भी हो सकते हैं हवाई हमले। और दुनिया की 3 शक्तियों भारत, चीन और रूस ने किया मिसाइल परीक्षण। 700 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता वाली अग्नि का कामयाब परीक्षण। और अब पहली खबर। पाबंदी के बावजूद रैली करने पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। बुधवार को उन्होंने लखनऊ में मुंशी पुलिया इलाके में इजाजत नहीं मिलने के बावजूद चुनाव प्रचार किया था। वहीं चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को नोएडा में दिए विवादास्पद भाषण के मामले में फटकार लगाई और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी भी दी है। साथ ही इस मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इसके चलते लखनऊ में बिना अनुमति रैली करने पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। उन पर धारा 144 का उल्लंघन और चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप है। जिला प्रशासन ने रैली के वीडियो और बाकी जानकारियां चुनाव आयोग को भेजा है। बिना अनुमति का अगर कोई कार्यक्रम करता है या आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होती है लीगल कार्रवाई की जाती है और लीगल कार्रवाई की गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट मांगी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट भेजी जा रही है और CD भी जो है भेज चुके हैं। बीजेपी ने जिला प्रशासन पर राज्य सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। हमने चुनाव आयोग के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। आचार संहिता की आड़ में उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में लखनऊ जिला प्रशासन के असंवैधानिक आदेश का हमने विरोध किया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और NCP ने बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। So the social equilibrium will be lost and we are suffering that in UP, in different parts of UP. And these people should not be allowed to carry on with this hate campaign. So I think the UP government will take stern action against that. कानून तोड़ने के आदि हैं हमेशा से, आज से नहीं। उनके मंदिर से लेके, मठ से लेके, आसपास गोरखपुर से लेके पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमेशा वो कानून तोड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का जो रुख है वो ये दिखाता है कि संविधान के लिए और कानून के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। इन सीटों पर शनिवार को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व उपचुनाव आयुक्त नूर मोहम्मद साहब हैं। बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद साहब। सबसे पहले यही कि क्या चुनाव आयोग की चेतावनी का कोई मतलब रह गया है? नियमों का फायदा क्या है अगर चुनाव आयोग की चेतावनी राजनीतिज्ञ नहीं मान रहे हैं? देखिए, 3 तरीके हैं जिससे इस ऐसे मामले में एक्शन हो सकता है। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आचार संहिता के तहत, दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें जो ऑफेंसेज है इलेक्शन ऑफेंसेज उसमें हो सकता है, या IPC के जो धाराएं हैं जिसके तहत हो सकता है। तो 3 तरीके हैं इसको करने के लिए। अब पहला जो था वो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मंगाई, रिपोर्ट मंगाने के बाद पूरी स्टडी की और प्राइम ऑफिसी उनको लगा, इसलिए उन्होंने नोटिस भेजी और उसका जवाब मिलने के बाद उन्होंने उनको सेंसर किया। एक तो आस्पेक्ट इलेक्शन कमीशन ने करा, पब्लिक इस बात को देख रही होगी कि सेंसर इसका इलेक्शन कमीशन ने इनको दोषी पाया है तभी किया है और उसका असर भी इलेक्शन के टाइम में शायद होता है, पहले भी होता है, इसीलिए सेंसर से लोग थोड़ा सा लिहाज रखते हैं। दूसरी चीज़ है कोर्ट केसेस की, कि अब जब जो ऑफेंसेस हुए हैं IPC में या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसका FIR होगा और FIR होने के बाद फिर वो कोर्ट
का सिस्टम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर आज हम बात कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से जो नियम कानून हैं उस पर चलने में सक्षम हो पाएगा। और ये इस संदर्भ में मैं कह रही हूँ कि भारत में भावनाएं भड़काकर चुनाव जीतना और वोट हासिल करना अभी जायज़ माना जाता है, क्योंकि जब भी राजनेता जीत जाते हैं वो कहते हैं कि जनता का तो मैंडेट हमें मिल गया है। तो ब्लैक एंड व्हाइट रूप में कानूनों को लागू करने में कभी चुनाव आयोग सक्षम हो पाएगा कि नहीं, अगर इस तरह की बात है तो? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, अगर आप जैसे कम्युनल भावनाओं को भड़काने की बात करते हैं, अभी कोई कहेगा कि कम्युनल भावना हम नहीं भड़का रहे, दूसरा कहेगा नहीं भड़का रहे, इसीलिए ज़रूरत इस बात की। अभी इलेक्शन कमीशन प्राइमा फेसी जो एविडेंस आता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं और उनको सेंसर करते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं। अब उसमें अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगी तो इलेक्शन कमीशन केस को, इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है, अकाउंट डिमांड कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना सीरियसनेस उसकी होती है। तो इलेक्शन कमीशन के पास और सारे हैं हथकंडे जिसके बेसिस पे इसमें और कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो बड़ा इशू है वो ये है कि अगर इस तरह के भड़काने को हमने रोका नहीं तो डेमोक्रेसी को बड़ा खतरा होने वाला है फ्यूचर में। एंड देयरफॉर ज़रूरत इस बात की, ज़रूरत इस बात की, मेरे दिमाग में एक सजेशन आ रहा है कि अगर मान लीजिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो ऐसे मामलों को देखे कि क्या ये कम्युनल है कि नहीं है, वेदर इट इज़ अपील टू कम्युनल फीलिंग्स या नॉट। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने पेड न्यूज़ को बनाने के लिए, मानने के लिए, के बारे में डिसाइड करने के लिए बहुत सारे लेवल पे डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हैं। उसी तरह से कम्युनल उसके लिए भी डिफरेंट लेवल पे कमेटीज़ बनाएं अगर, तो मेरे ख्याल से इस पे काफी हद तक रोक लग सकती है और उसमें पढ़े लिखे लोग हों उसमें। नहीं, लेकिन क्या कोई नो गो एरिया बनाने की भी ज़रूरत है? क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई पहल कर सकता है? जैसे आपने कहा कि एक पहल ये हो सकती है कि अलग अलग राजनीतिक दलों और विद्वानों को, जानकारों को मिलकर बैठकर बात करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई नो गो एरिया डिफाइन करने की ज़रूरत है पॉलिटिशियंस के लिए भी और दूसरे लॉ में ही डिफाइन रियलिटी लॉ में? देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे पहला पॉइंट है वही है कि नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड एनी एक्टिविटी विच मे एग्रेवेट एग्जिस्टिंग डिफरेंसेज और क्रिएट कम्युनल हेट्रेड। तो पहला ही पॉइंट है उसका। और दूसरा पॉइंट फिर वो कहता है मॉडल कोड का कि क्रिटिसिज्म शुड बी बेस्ड ऑन कन्फाइड टू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो बेसिकली कानून में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ यही चीज़ अगर आप देखिए आईपीसी में और जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में है। लेकिन नूर मोहम्मद साहब, हमने बार बार देखा है चुनाव में नेताओं को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए। अगर फिर से योगी आदित्यनाथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपके आदेशों की का उल्लंघन करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो क्या कार्यवाही हो सकती है? इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन के मामले में ही इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है, इलेक्शन को रोक सकता है, काउंटरमैंड कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। दैट इज़ वन स्टेप द इलेक्शन कमीशन कैन टेक। अदरवाइज जो लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू है कि उसको उनको जेल भेजना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो एक अलग सा पहलू है, उसकी FIR होती है, FIR के बाद पुलिस एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसकी जांच करता है, जांच करने के बाद वो कोर्ट में जाता है। आपने कहा कि पोस्टपोन कर सकते हैं इलेक्शन या इलेक्शन से संबंधित जो भी फैसले हैं वो चुनाव आयोग के जुरिस्डिक्शन में है। लेकिन क्या बिना राजनीतिक दलों के मैंडेट के, बिना राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के ये हो सकता है? अगर बार बार कोई कैंडिडेट या कोई राजनीतिक दल का नेता इस तरह के कानून की अवहेलना करता है, उसमें प्रॉब्लम ये है, कहेंगे उन्होंने वायलेशन किया तो आप हमारा इलेक्शन क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? अगर इनका जो वायलेशन कर रहा है उसका इलेक्शन हो पोस्टपोन कर रहे हो, तो प्रॉब्लम यह है कि इसका सोल्यूशन कहीं नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब इकट्ठा हों और इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी ये डिसाइड करें कि किन किन चीज़ों पे आपको कैंपेन करना चाहिए। दैट इज द ओनली सोल्यूशन और वही इंडिया के लिए बेहतर होगा। अदरवाइज जो भी और रास्ता निकालेंगे उसका दूसरा रास्ता निकालने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। जिस तरह की परिस्थिति आज है उसमें क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा पर चोट पहुँच रही है? देखिए, अगर जनरल परसेप्शन ये जाता है कि इलेक्शन कमीशन नहीं रोक पा रहा है इनको, इस पर इफेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है, तो निचली इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा पर भी आँच आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो ज़्यादा नुकसान होगा उसका, वो टोटल टोटल डेमोक्रेसी जो इंडिया आज के दिन गोल्ड स्टैंडर्ड माना जा रहा है डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में, वो भी उस पर भी असर पड़ेगा जी। तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए नूर मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से आज मना कर दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को चार्जशीट लौटाते हुए उसकी खामियां दूर करने के लिए कहा है। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ दायर चार्जशीट लौटाते हुए कहा कि चार्जशीट में आईपीसी की धारा 173(2) के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है। इसमें चार्जशीट दाखिल करने से पहले आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें निषेधाज्ञा लगाने वाले अधिकारी की ओर से निजी शिकायत दाखिल की जाती है। 188 में चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकती, कंप्लेंट होगी, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट करेगा, जिसका ऑर्डर का वायलेशन हुआ, जिसने दफा 144 लगा रखी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को मुजफ्फरनगर कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। अमित शाह पर अप्रैल में लोकसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरनगर में विवादास्पद भाषण देने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। हालांकि इसके बावजूद अन्य मामलों में आरोपी होने की वजह से वंजारा फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उन पर शाहजहां फर्जी मुठभेड़ मामले में भी मुकदमा चल रहा है। पूर्व डीआईजी वंजारा को 2007 में दो और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। साल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी को फर्जी मुठभेड़ में मारने के आरोप में कई लोग अभियुक्त हैं। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे राहत काम तेज हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव को बाढ़ के हालात की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर भेज दिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक सेना और एनडीआरएफ ने मिलकर अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया है। हालांकि अब भी लाखों लोगों को मदद की दरकार है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों से पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, इससे राहत और बचाव काम में भी तेजी देखने को मिल रही है। कश्मीर में पीने के पानी की सप्लाई 20% तक बहाल कर दी गई है। संचार साधनों को पूरी तरह से बहाल करने पर तेजी से काम चल रहा है। 30-35 हज़ार से अधिक लोगों को तो एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया है। शेष हमारे बहादुर सेना के जवानों ने भी, सेना के वायु सेना के जवानों ने भी रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की। बचाव और राहत कामों में तेजी के लिए एनडीआरएफ की 3 और टीमें रवाना की गईं। एनडीआरएफ की हर टीम में करीब 50 कर्मी शामिल हैं, जिनके पास बचाव और संचार उपकरण मौजूद हैं। इस बीच सेना ने कई जगह मेडिकल कैंप लगाए हैं, जिनमें बाढ़ पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। बेसिकली ये बीमारियां हैं जो इनके पास हो रखी हैं, अभी जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं इनके, बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम और जो जाड़े की बीमारी इनको ज्यादा होगी है। इस बीच रेलवे ने राज्य में राहत और बचाव से जुड़ा सामान मुफ्त सप्लाई करने का निर्देश दिया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के मुताबिक कपड़े, दवाइयां, पुनर्वास से जुड़ी चीजों समेत तमाम सामान 22 सितंबर तक मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर रेलवे की विशेष हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। जहाँ इस वक्त हम हैं वो है एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम, या यूं कहें कि ये हेल्पलाइन पूरा यहाँ पर एक सेटअप बनाया गया है। जो भी इस आपदा में जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो अपने परिजनों को ढूंढना चाहते हैं या फिर ये बताना चाहते हैं कि वो बचाव कार्य में वो मदद चाहते हैं, यहाँ पर फ़ोन आता है और उसके बाद यहाँ से मैसेज जितनी भी सेंटर्स हैं अलग अलग एनडीआरएफ की और साथ में जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, बचाव एजेंसियाँ हैं, वहाँ तक यहाँ से मैसेज जाता है और उसके बाद उन टीमों को रवाना किया जाता है। राहत सहायता को और बढ़ाते हुए सेना और वायुसेना ने 329 टुकड़ियां तैनात की हैं। लोगों को बाहर निकालने के लिए 69 विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने श्रीनगर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, साथ ही लोगों की समस्याओं के बारे में भी जाना। नमस्कार, मैं हूँ प्रणव गोस्वामी। जन्नत में जलजला आ गया है, जलजला भी ऐसा जो पिछले 60 बरस में नहीं देखा गया। इस वक्त मैं हूं श्रीनगर के रामबाग इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से एक सैलाब यहां पर है, जिसने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया है। दो दो तीन तीन फ्लोर तक पानी चढ़ा है और वहां जो आदमी फंसे हैं वो तो थर्ड फ्लोर में ऊपर बैठे हैं।
कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरी 2 साल की बेटी उधर फंसी है, उसके पता ही नहीं है उसके लिए राशन है कुछ है या नहीं है। सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं कि वो एक चढ़ाई है और वो रास्ता है जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। वो जगह जो है वहाँ अभी जल भराव नहीं हुआ है। पिछले 3 दिन से हम यहाँ फंसे पड़े थे एलोरा होटल में। हम लोग करीब 40-50 बंदे थे वहाँ पे, जिसमें से 12 बंदे अभी आए हैं, बाकी वहीं पे हैं। आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है और इसमें जो नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नाम वो नाम है जो कि इस वक्त जिनका कोई अता पता नहीं है। 4,500 नाम करीब यहीं पे है, इस इन कागजों में दर्ज है और इनका कहीं से किसी भी तरह से कोई सफर नहीं हो पाई। और यहाँ पर जो बचाव दल है वो यहाँ से यहाँ इस कैंप से सामान ले जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जगह है, जो ऐसे ऐसे जो श्रीनगर के इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। बीएसएफ के बेस कैंप से एनडीआरएफ की जो राहत और बचाव दल है वो यहाँ से निकल पड़ा है। ये जो है ये एक बोट है और इसी तरह से बीएसएफ की गाड़ियों में इन बोट्स को उस जगह तक ले जाया जाता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जल भराव है। बहुत खराब है, हम लोग 5 दिन से उधर अटक गए होटल में सेंटर पॉइंट। ये राहत की बात है कि एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं लोगों को और यहाँ से उसके बाद इन्हें अपने अपनी सुरक्षित जगहों पर जहाँ से ये पर्यटक आए हैं, आए थे कश्मीर घूमने के लिए, श्रीनगर घूमने के लिए, वो वापस अपने 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 स्थानों पर जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह उनके लिए एक बहुत ही भयावह अनुभव रहा होगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में तो बारिश से निजात मिल सकती है, लेकिन उत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है, ऐसे में वहां और बाकी देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल? हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर। सर, किस तरीके की स्थितियां हैं जम्मू और कश्मीर में और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं, कुछ राहत मिलने की उम्मीद है क्या? अभी फिलहाल वहां पर कोई ज़्यादा मौसम नहीं है, बादलों की आवाजाही है, पर आमतौर पर मौसम साफ है और कोई भारी बारिश या ऐसी कोई अभी नहीं है और आने वाले 4-5 दिन भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई अन्य इलाकों में भी चेतावनी दी है भारी बारिश की। नहीं, चेतावनी गुजरात के लिए थी और गुजरात में पिछले 3-4 दिन से अति भारी बारिश हुई है। अब वहाँ बारिश कम हो रही है और ये बारिश जो है गुजरात और पूर्वी राजस्थान में केवल आज अगले 24 घंटे रहेगी। तत्पश्चात ये रेन बेल्ट जो है उत्तर भारत में उत्तराखंड, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार, गांगे और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल तथा उत्तर पूर्वी भारत और उड़ीसा के कुछ उत्तरी ज़िलों यहाँ तक सीमित रहेगा और ये ऐसा जो बारिश का दौर है ये आगामी 4-5 दिन रहेगा, उसके बाद में बारिश पूरे भारत से काफ़ी कम हो जाएगी। और इसी के साथ अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, बशर्ते पाकिस्तान भी इसके लिए सकारात्मक रुख अपनाए। गृहमंत्री ने पाकिस्तान से अच्छे संबंधों की हिमायत की है। भारत ने अलगाववादियों से बातचीत की वजह से पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया था। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा था कि कूटनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से यदि प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करता है पाकिस्तान तो मैं समझता हूं कि पुनः बात हो सकती है। पड़ोसी पड़ोसी होता है, दोस्त बदलते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं, तो हम भी यह चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमारे बेहतर हों। दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल और तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अगर समर्थन मिले तो उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी के पक्ष में बयान देकर अपने विरोधियों को भड़का दिया है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान के बाद एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव नहीं चाहता। पिछले डेढ़ साल में दो बार जनादेश हुआ है, दोनों बार बीजेपी के पक्ष में जनादेश मिला है। अगर कोई अपनी मर्जी से हमें समर्थन देता है तब हम जरूर सरकार बनाएंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी के पक्ष में बयान देकर राजनीति गर्मा दी। इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है, तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित के इस बयान को उनकी पार्टी में कोई समर्थन नहीं मिला। पार्टी ने इसे शीला का निजी बयान करार दिया। मैंने कहा है उनका बयान कांग्रेस को गले नहीं उतरा है। शीला दीक्षित को तुरंत प्रभाव से अपना बयान वापस लेना चाहिए या उस पर स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए, क्योंकि ये बयान कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीला दीक्षित के बयान से उत्साहित दिल्ली बीजेपी एक बार फिर माहौल को अपने पक्ष में मान रही है। चाहता हूं कि शीला जी ने एक गंभीरता से आज की जरूरत क्या है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये बात उन्होंने की है। वहीं बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने आज स्टिंग ऑपरेशन की सीडी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपी और बीजेपी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। पुलिस कमिश्नर साहब ने आज हमें कहा कि वो इस कंप्लेन को क्राइम ब्रांच को भेज रहे हैं जांच करने के लिए और वो हमें बताते रहेंगे जो भी इस पे कार्रवाई होगी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बयानबाजियां तेज हैं, फिर चाहे वो एक पार्टी में दो राय हों या तो फिर दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि कब तक जनता को चुने हुए प्रतिनिधियों से वंचित रहना होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी दिल्ली। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम गया। 13 सितंबर को इन सभी सीटों के लिए मतदान होगा। प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें गुजरात की वडोदरा, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी और तेलंगाना की मेंढक सीट है। IS आतंकियों के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह भी साफ किया है कि सीरिया पर सीधी कार्रवाई करने की बजाय अमेरिका हवाई हमले करेगा। गौरतलब है कि अमेरिका पर हुए आतंकी हमले 9/11 की आज 13वीं बरसी है और इस मौके पर अमेरिका अपने लोगों को एक संदेश देना चाहता है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज IS आतंकवादियों के खात्मे के लिए नई रणनीति का ऐलान किया। ओबामा ने कहा कि अमेरिका के लिए खतरा बने आतंकवादी समूहों को बख्शा नहीं जाएगा। Moreover, I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven. अमेरिकी रणनीति के मुताबिक जमीन पर IS आतंकवादियों से लड़ने वाली सेनाओं को मदद बढ़ाई जाए, सुनियोजित तरीके से IS के ठिकानों पर बमबारी की जाए, IS की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए नए उपाय किए जाएं। And it is consistent with the approach I outlined earlier this year, to use force against anyone who threatens America's core interests, but to mobilize partners wherever possible to address broader challenges to international order. अमेरिका ने इराक में 475 सैनिकों को भेजने का फैसला भी किया। ये सैनिक वहां IS के खिलाफ सैन्य रणनीति बनाने में मदद करेंगे। जर्मनी ने IS से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई के साथ राजनीतिक रणनीति पर अमल करने पर भी जोर दिया है। Nicht überzeugt werden, dass allein eine militärische Strategie das Thema ISIS oder radikal islamistische Gruppen irgendwie wegbringt. IS के आतंकियों ने हवाई हमले नहीं रोकने पर हाल ही में 2 अमेरिकी पत्रकारों की हत्या कर दी थी। IS ने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 24 घंटे के भीतर 3 बड़ी शक्तियों ने आधुनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। भारत, रूस और चाइना के परमाणु हथियार ढोने वाले मिसाइलों के परीक्षण पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहीं। भारत ने आज सुबह अग्नि 1 का सफल नियमित परीक्षण किया। सतह से सतह तक मार करने वाली अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। सैन्य बलों में पहले ही शामिल की जा चुकी ये मिसाइल रेंज सटीक निशाने और घातक क्षमता के मामले में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। आज सुबह 11:11 पर ओडिशा के व्हीलर द्वीप में इसका परीक्षण किया गया। दूसरी तरफ चाइना ने सतह से हवा में मार करने वाली अपनी आधुनिकतम मिसाइल हांगक्वी 10 का परीक्षण किया।
दूसरी तरफ चाइना ने भी 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल बुलावा का परीक्षण किया। ये 6 से 10 परमाणु हथियार एक साथ ढोने में सक्षम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।